साहब, देश में क्या हो रहा है? राहुल गांधी जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे देश में केरोसिन छिड़क रखा है, बस दियासलाई दिखाने की जरूरत है। पर एक्चुअल में केरोसिन छिड़कने पर कौन आमादा है, जरा इसकी पैमाइश करेंगे। और जो कुछ बिहार में हुआ है वो भी गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को, वहां के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो बताते हैं बिहार की और देश की जनता को कि बिहार में कितने कुर्मी हैं, कितने यादव हैं, कितने फला हैं, कितने इस जाति के हैं, कितने मुस्लिम हैं। हिंदू भी बताते हैं, लेकिन इन हिंदुओं को विभाजित करके अपर क्लास, मिडिल क्लास, पिछड़े, अति पिछड़े, उनमें भी जातियों को जिस तरीके से दर्शाया गया है, उस हिसाब से तो मेरे एक मित्र कह रहे थे कि नीतीश बाबू को तो मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए था बिहार का, क्योंकि कुर्मी तो बहुत ही कम है, 2% के आसपास है। तो हमें ये भी जरा पैमाइश करनी पड़ेगी कि ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं, जिनको ये जातीय जनगणना बता रहे हैं, और जनगणना शब्द पर भी बहुत लोगों को एतराज है कि जनगणना कोई राज्य सरकार नहीं करा सकती, तो इन्होंने बीच का रास्ता निकाला फेस सेविंग के लिए कि नहीं, सर्वे है। लेकिन जो मीडिया में आ रहा है वो तो जनगणना ही कहा जा रहा है। तो इसको पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इतने डेस्परेट हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने और हटाने के लिए। इनको लगने लगा है कि 2024 में नहीं हटाया तो फिर शायद नरेंद्र मोदी या उनकी जगह जो भी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा प्रधानमंत्री बनेगा उसको हटाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, और इन लोगों की भी केंद्र की सत्ता में वापसी लगभग असंभव हो जाएगी। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, की फैक्ट के डॉक्टर अविनाश सिंह, और उनसे बेहतर इसका विश्लेषण और कौन कर सकता है जब जातीय आधार पर इस तरह का केरोसिन छिड़कने की तैयारी हो। अविनाश जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार सर, आपको, आपके सभी दर्शकों को। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। अविनाश जी, जी ये केरोसिन एक्चुअल में कौन छिड़क रहा है? क्यों फिर से जाति पर वोट डलवाना चाहती हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टियां? और मैं तो खुल करके कहूंगा कि लालू यादव की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, नीतीश बाबू भी जब से इनके संपर्क में आए हैं तो वो भी वैसी ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं बिहार का अतीत क्या रहा है, उत्तर प्रदेश का अतीत क्या रहा है, 90 के दशक में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं जिनसे ये प्रेरणा लेने की कोशिश कर रहे हैं फिर से। पर क्या 1990 का दशक और 2023 का वर्ष, इस बीच काफी कुछ इस देश में बदल नहीं गया है, लोगों की सोच नहीं बदल गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से अब तक लोगों का माइंडसेट काफी चेंज नहीं कर चुके हैं, या अभी भी इनको कोई संभावना दिखाई दे रही है? देखिए सर, इस पूरे घटनाक्रम को 3-4 पार्ट पे तोड़ करके देखा जाए, 1931 की एक जनगणना थी, उसमें भी यही सब आंकड़े थे, 2-4% आप आगे पीछे मान लीजिए। बाकी SC ST की जनगणना हर साल होती है, हिंदू मुस्लिम की मतलब हर 10 साल में होती है, हिंदू मुस्लिम और जितनी भी धर्म के लोग हैं उनकी भी जनगणना हर साल, हर 10 साल पे होती ही है। तो ये कोई बहुत मतलब अद्भुत तीर नहीं मार दिया। एक नारा चलता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये एकदम ठीक बात है, मैं इस बात से सहमत होता हूं। और जब मैं इस बात से सहमत होता हूं तो उसका एक फार्मूला इस देश को तय करना पड़ेगा, और हर जगह तय करना पड़ेगा कि भाई हिस्सेदारी किस हिसाब से और भागीदारी किस हिसाब से, दोनों चीजें तय कर देना चाहिए।
दूसरी दूसरा जो इसका एक एक दूसरा इफेक्ट है, दूसरे तरह से अगर देखा जाए तो सितंबर मास का जीएसटी आया, पिछले साल जो जीएसटी राज्य सरकार ने दिया था बिहार की उससे 5% कम है। मतलब पूरे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को हटा दिया जाए तो जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में मात्र बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी जीएसटी निगेटिव में गई है, मतलब 5% निगेटिव है। अब सर बंटवारा किस पे होगा? आप किसी भी चीज में किसी भी व्यक्ति को हिस्सेदारी देंगे तो कैसे देंगे? जब वो चीज अवेलेबल होगी तो आप उसमें हिस्सेदारी देंगे, जब वो चीज अवेलेबल नहीं होगी तो आप उसको हिस्सेदारी नहीं दे पाएंगे। क्या आप 2% सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी की बात करते हैं या 0.00000% कहीं जाकर के मंत्री और मुख्यमंत्री के हिस्सेदारी की बात करते हैं? तो अगर इन दोनों हिस्सेदारियों की बात करते हैं तो पिछले 40 साल से पिछड़ा ही मुख्यमंत्री है बिहार में, कोई अगड़ा नहीं बना, कोई मुस्लिम नहीं बना। उस पिछड़ों में भी 14% जो पिछड़ों की सबसे अधिक आबादी ये लोग दर्शा रहे हैं, इंगित कर रहे हैं यादव की, उसी बिरादरी से आते हैं लालू प्रसाद यादव। नीतीश कुमार जिस कुर्मी बिरादरी से आते हैं और उसका 2.86% के आसपास का उसका आंकड़ा है, नीतीश कुमार है लंबे समय से। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या इससे पहले भी जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो दोनों पिछड़े थे, और सबसे बड़ी बात है 10 साल से इस देश में डोमिनेटिंग सवर्णों की राजनीति को खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री। समस्या क्या है इन लोगों की, सबसे बड़ी बात हम बताते हैं। इनके पिछड़े का मतलब होता है लालू परिवार, इनके पिछड़े का मतलब होता है मुलायम परिवार, इनके पिछड़े का मतलब होता है नीतीश कुमार का कुनबा। पिछड़े का मतलब ये खुद ही नहीं जानते। दूसरी चीज कि हिंदुओं में जितनी जातियां हैं उनकी सबकी तो जनगणना पे इतना अधिकार उतना अधिकार ऐसे वैसे सब कुछ हो गया, सब बात कर लिए, मुस्लिमों की जाति पे किसी ने बात नहीं की। अब यहां मैं बताता हूं कि यादवों के बाद, यादव बिरादरी को अगर आप हटा दिया जाए तो यादवों के बाद जाति के अनुसार बिहार में दूसरी सबसे बड़ी जाति है अंसारी। तो लालू प्रसाद यादव अपनी हिस्सेदारी ऑलरेडी ले चुके हैं, यादवों की हिस्सेदारी बिहार में 75 साल में लालू प्रसाद यादव ने जितने साल राज किया उस राज को उस हिस्सेदारी में बांटेंगे तो वो ज्यादा राज कर चुके हैं। अब अगला प्रधानमंत्री अगला मुख्यमंत्री बिहार से कोई अंसारी बनना चाहिए, फिर उसके बाद कोई मुसहर बनना चाहिए, और नीतीश कुमार अगले 150 साल तक के लिए अपने बिरादरी की हिस्सेदारी ले चुके हैं। पहले मुख्यमंत्री पे ही बात कर लेते हैं जहां पे वो हैं। अगले 150 साल तक किसी कुर्मी को बिहार में कभी मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं कहना चाहिए कि हमें मुख्यमंत्री बना दो, क्योंकि देखिए भागीदारी ऐसेदारी की बात आ रही तो सर सबकी बात होगी ना, ऐसे थोड़ा ही ना होगा कि सिर्फ आपकी बात होगी। जब इनकी बात होगी तो कहेंगे हम पिछड़े में हैं, तो भैया आप पिछड़ों में है ना, 36% अति पिछड़ों को करो। अगर वर्गीकरण ही कर करके इस काम को करना है, वर्गीकरण में आओगे तो अति पिछड़ों को, तो अति पिछड़ों का कोई नाम लेने वाला नहीं बिहार के अंदर। तो देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा, बिहार में मुख्यमंत्री 40 साल से पिछड़ा, ये पिछड़े मुख्यमंत्री अपना ये आंकड़ा दिखाएं कि इन लोगों ने अपने ही अपने बिरादरियों के लिए क्या किया। छोड़िए सबकी बात छोड़िए, सब पिछड़ों के तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्या लालू प्रसाद यादव के रिजिम में यादवों की स्थिति ऐसी हो गई कि वो पिछड़ों से सवर्ण की तरफ चले गए या सामान्य की तरफ चले गए, या कुर्मियों की स्थिति ऐसी हो गई बिहार में जिसके नाम पे वोट मांगते हो भाई, कम से कम उसकी बात तो कर ही लो। अच्छा ये तो है इनके इनका इनका पोर्टफोलियो। अब देखिए यहां नीतीश कुमार फंस गए जनगणना को करा करके। नीतीश कुमार को तुरंत कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, तुरंत जनगणना आई तुरंत कुर्सी छोड़ करके तेजस्वी यादव तुरंत उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके जिन जिन जातियों को बिहार में भागीदारी नहीं मिली है और उनका जो प्रतिशत है उसके हिसाब से पहले भागीदारी देना चाहिए। मतलब ये सबसे जरूरी चीज है जो मुझे ऐसा लगता है। जब आप जैसे सर मैं अगर कह रहा हूं कि सर भागीदारी आपको नहीं मिली और मैं उसी पद पर बैठा हुआ हूं तो सबसे पहले मैं अपना पद छोड़ू ना, तब तो आप भागीदारी के लिए वहां आएंगे। तो ये दोनों नहीं करने वाले हैं, ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं। अब दूसरी बात बताता हूं इस पूरे जनगणना की। ये पूरे जनगणना का जो डाटा है, मैं चूंकि मैं डेटा साइंटिस्ट हूं और मैंने IIT से इसी विषय की पढ़ाई की है,
ये डेटा में इतना लूप होल है, इस डेटा में इतनी कमियां हैं कि मैं आपको बहुत सारी, आप सेंसेक्स से डेटा उठा लीजिए और उठाने के बाद आप बिहार में रैंडम फोन कर लीजिए और लोगों से पूछिए कि क्या तुम्हारे यहां जातिगण जनगणना के लिए कोई व्यक्ति आया था। आपको 80% लोगों का जवाब मिलेगा कोई नहीं आया था। चूंकि मैं 100-150 फोन लगा करके जब से ये डेटा आया तब से यही काम कर रहा था, मैंने पूछा कि भाई कैसे जनगणना हुई है कैसे। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, बिहार में करोड़ों लोग बिहार से बाहर है, बिल्कुल, और वो लोग रेजिडेंट बन चुके हैं। अब एक सवाल है कि क्या अंजना ओम कश्यप के यहां बिहार सरकार का कोई व्यक्ति पूछने गया था कि आप कहां के रेजिडेंट हैं? क्या रवीश कुमार के यहां कोई पूछने गया था कि आप कहां के रेजिडेंट हैं? इस तरीके से करोड़ों बिहार के लोग जो बिहार से बाहर हैं, उनसे क्या किसी ने पूछा कि आप रेजिडेंट बिहार के हैं कि दूसरे प्रदेश के बन चुके हैं? एक चीज। दूसरी चीज कि कल से क्या बिहार में रोजगार की बात, उद्योग की बात, सड़क की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी कि इसी डेटा पर चर्चा होता रहेगा? क्योंकि सर, अगर मेरे पास 100 रुपए है और 100 आदमियों में बांटना है तो मैं 1-1 रुपया बांट दूंगा, और मेरे पास 100 रुपए का कर्ज है तो 100 लोगों की हिस्सेदारी उस 1-1 रुपये में लेनी भी तो पड़ेगी सर, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। वो 100 लोगों के 1-1 रुपये का कर्ज भी तो भरने के लिए 1-1 रुपया कमा करके देना पड़ेगा मुझे। तो बिहार की स्थिति ये है कि बिहार में है कुछ नहीं, बंटवारा पूरा होगा, उद्योग धंधा आप पीछे हैं, एजुकेशन सिस्टम आप पीछे हैं, क्रिकेट बोर्ड तक आपके प्रदेश में नहीं है। जब पूरे देश में आईटी पार्क खुल रहा था तो बिहार में चरवाहा विद्यालय खुल रहा था और उस चरवाहे विद्यालय का जिक्र भारत नहीं, भारत से बाहर हो रहा था। अरे लालू प्रसाद यादव पता नहीं कौन सी चीज बिहार को देने जा रहे हैं। आज वो चरवाहा विद्यालय कहां है बिहार में? कभी बिहार के लोगों को पलट के पूछना चाहिए इस चीज को। उससे किसका फायदा हुआ? उस पर करोड़ों रुपया आपने इन्वेस्ट किया, हजारों लाखों एकड़ जमीन आपने एक्वायर की, उससे किसका फायदा हुआ? एक चीज। दूसरी चीज कि देखिए सर, मैं एक चीज बताता हूं, मैं बार बार एक बात कहता हूं, इसराइल बहुत छोटा सा देश है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे देश हैं, वो अपना लोहा मनवा चुका है। और जंगल में एक बार जनगणना हुई थी सर, तो पता चला कि शेर, चीता और इस तरीके के जो जानवर है इनकी संख्या बड़ी कम थी, है ना? तो संख्या से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है प्रभाव से। जंगल का राजा शेर ही रहता है, संख्या उसकी कम हो संख्या उसकी ज्यादा वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण ये होता है कि वो हैंडलिंग उसकी कितनी बढ़िया है। बड़ा होने से भी कुछ नहीं होता है, हाथी सबसे बड़ा जानवर होता है जंगल का। अब बिहार में जो ये जातिगत जनगणना की है नीतीश बाबू, इस जातिगत जनगणना का इंपैक्ट भी तो दिखना चाहिए ना। तो सबसे पहले राजनीति से लालू प्रसाद यादव के परिवार को, नीतीश कुमार को, इन सब लोगों को संन्यास ले लेना चाहिए। अब कुशवाहा बनना चाहिए, अब मुसहर बनना चाहिए, अब अंसारी बनना चाहिए, ये लोग बनने चाहिए, पदों पे होने चाहिए। अब देखिए इस देश में कितनी विडंबना है और कितना जाहिलपना है लोगों के अंदर। फिर से एक बार राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बताइए 90 अधिकारी हैं और 3 OBC हैं। आप बताइए सर, जब इस देश में ओबीसी आरक्षण ही नहीं था, उस समय के अधिकारी जब सचिव बने हैं तो कैसे ओबीसी की गिनती हो जाती है? लेकिन जब लोग देखेंगे, जिन अब सबको थोड़ी ना पता है, 95 में उसमें ओबीसी आरक्षण लागू हो गया, 92-93 तक के अधिकारी सचिव बने हैं, उनको तो लिखेगा हाँ हाँ राहुल गांधी ने कहा है, बात तो एकदम ठीक है भाई, क्योंकि लगता है किसी को भी लगेगा। तो इस तरीके का जो प्रोपोगेंडा है उसको फैलाने की कोशिश है। अब मैं कहता हूं कि कर्नाटक की सरकार को भी यह जातिगत जनगणना रिवील कर देनी चाहिए, लेकिन एक चीज और नहीं हुआ इस जातिगत जनगणना में, आर्थिक सर्वेक्षण भी होना चाहिए था बिहार का कि किस जातियों की आर्थिक स्थिति क्या है, और साथ के साथ सरकारी नौकरियों का भी सर्वेक्षण होना चाहिए। जब तक आर्थिक और कितने लोग जॉब में है इसका सर्वेक्षण नहीं होगा, जातियां गिन करके आप किसी को उसका अधिकार नहीं दे सकते हो, समझिएगा सर इस चीज को। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आप सोचिए, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 2% जाट हैं और पिछड़ों की 5% नौकरियां उनके पास है, उत्तर प्रदेश में 10% मान लीजिए यादव हैं और पिछड़ों की नौकरियों का 15% उसके पास है,
तो आप फिर से उसी में गिन दिए, तो फिर से वो सबसे अधिक है, तो फिर से सबसे अधिक उन्हीं को मिल जाएगा। ये तो बेईमानी हो गई सर, ये तो हलाहल बेईमानी है ना उसके साथ जो आगे नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले अपने में इस चीज की बात करी। एक चीज और मैंने सुना जी जी कि भाई संपत्ति के ऊपर है, इनके पास है, उनके पास है। सबसे पहले आप अपनी संपत्ति अपने ही जाति के लोगों को देना शुरू करिए, इक्वालिटी में पहले उसको बांटिए। एक नजीर तो पेश करिए ना आप, हर चीज के लिए कानून बना देंगे इस देश में। भाई को भाई कहने के लिए कानून बनेगा सर, अपने बिरादरी को अपनी बिरादरी का कहने के लिए कानून नहीं ना बनेगा कि नहीं मैं तुम्हारे बिरादरी को तुम कहो कि तुम मेरे बिरादरी को, इसके लिए कानून नहीं बन सकता। एक तो सिंपल सी चीज है, तो सबसे पहले तो इस बात को भी कर देना चाहिए। अब आता हूं मेन पॉइंट पे सर। अब देखिए 14% यादव है, 3.66% ब्राह्मण है, 3.45% राजपूत है, फिर भूमिहार है, फिर 3% मुसहर है। अब मुसहरों से कम कुर्मी है और 18 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। तो सबसे किसी मुसहर समाज के किसी व्यक्ति को सबसे पहले बनाना चाहिए यहाँ पे, है ना भाई। इनको छोड़ दीजिए, ब्राह्मण राजपूत भूमिहार इनको छोड़ दीजिए, ये बहुत संपन्न है, इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, चलिए ठीक है इनको जाने दीजिए। लेकिन मुसहर का मतलब हुआ सर कि वास्तव में इस समाज के सबसे निचले पायदान का व्यक्ति है, और उन मुसहरों को, उन मुसहरों का आधार कार्ड तक नहीं बनता था। मुसहर जाति इस देश में मैक्सिमम खानाबदोश टाइप की है, नट हो गए, मुसहर हो गए, ये इधर उधर बहेलिया हो गए, ये इधर उधर घूम करके अपना जीवन यापन करने वाली जाति है। इनके लिए आधार कार्ड का व्यवस्था कराया मोदी जी ने, इनके लिए मकान की व्यवस्था कराई मोदी जी ने। अब इनके लिए एक मुख्यमंत्री का पद बचा हुआ है बिहार में, अगर वो किसी मुसहर को बैठा दिया जाए उस पद पे तो होगी भागीदारी की बात सर। ऐसे थोड़ी ना होता है कि 14 साल 18 साल तुम शासन कर लो और फिर पिछड़े के नाम पर तुम मलाई खाओ, किए हो तो जातिगत सर्वस्व न, उसके बाद प्रमुख सचिव भी बनाओ, ना मुसहर को बनाओ तो किसी अंसारी को बनाओ, फिर उसके बाद मुख्य सचिव को भी उसी हिसाब से बनाओ। और जब ये सारी चीजें बना लो तो फिर कैटेगरी वाइज बनाओ, अति पिछड़ा सबसे पहले बनेगा मुख्यमंत्री बिहार में, अति पिछड़ा के बाद जो है पिछड़ा बनेगा, पिछड़ा के बाद दलित बनेगा, दलित के बाद मुस्लिम बनेगा, और फिर बाकी बच गया तो जिसको मन करे उसको दे देना। तो 100-150 साल बाद जब जिसका नंबर आएगा वो देखेगा, लेकिन अगले 150 साल तक जिन लोगों ने शासन किया है उनको वहां पे नहीं बनना चाहिए। अब मैं आपको सर मुसलमानों का एक आंकड़ा बताता हूं जिस पे चर्चा कम हुई। देखिए शेख हैं 3.82%। अब शेखों को लेकर के अलग अलग जगह पे अलग अलग धारणा है, किसी प्रदेश में पिछड़े में है, किसी प्रदेश में सवर्ण में है, ठीक है। शेख सैयद खान पठान की जो जहां तक बात आती है, अंसारी हैं, शेख हैं 3.82% और अंसारी हैं 3.54%, सूरज पारी मुस्लिम है 1.87% और पठान है 0.75%। और जो पठान 0.75% है वो जनरल में आते हैं, इस बात को भी समझिएगा। तो सबसे पहले जी। पठान जितने मंत्री और विधायक हैं उनसे इस्तीफा ले लिया जाए कि भाई तुम्हारा परसेंटेज ठीक नहीं है, तुम लोग बहुत दिन तक मौज कर लिए और तुम बाहर जाओ अब इससे। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूं इस बिहार के संदर्भ में सर। आप एक चीज सोचिए कि बिहार में जातिगत जनगणना क्यों किया गया, चूंकि बिहार सरकार के पास, बिहार की वर्तमान सरकार के पास और जो उसके इर्द गिर्द की लोग हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो चाहे और लोग जो उसके साथ कांग्रेस है वो जो मिलकर के संगठन बनाए हुए हैं, इनके पास बिहार में डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं, काम का मुद्दा नहीं है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। इन सबसे ध्यान हटाने के लिए क्या कर दिया जाए, एक काम करो कि जाति गिन लो, जाति गिन लो, तो एक चुनाव तक तो ये सब जाति में उलझे रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये सर्वेक्षण आ गया है तो टिकट बंटवारे में ये फार्मूला जरूर लागू होना चाहिए सर, और सारी पार्टियां अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाते समय भी इस फार्मूले को जरूर लागू करें और जिला अध्यक्ष बनाते वक्त भी लागू करें, क्योंकि जब तक आप सब सिस्टम को लागू नहीं करेंगे तब तक इस सर्वेक्षण का कोई मतलब नहीं। अब सर एक बात बताता हूं, दुनिया है 1.4%, मुसलमानों में धुनिया और कुलैया दो ऐसी जाति है 1% के आसपास हैं जिनकी स्थिति वास्तव में सबसे खराब है,
और मुसलमानों का जितना भी संसाधन है उस संसाधन पे 1% से भी कम जो पठान है वो काबिज हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और चाहे बिहार हो, दोनों जगह की स्थिति यही है। तो उनको कब बाहर किया जाएगा इस सिस्टम से, इस बारे में भी डिस्कशन होना चाहिए, इस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि देखिए आपने आप देखिए यहां गेम क्या चल रहा है, अरे अरे पिछड़े उछड़े मिला करके इतने परसेंट हैं। वो मैं आपको एक चीज बताता हूं सर, एक बिरादरी एक गोस्वामी, गिरी कहते हैं कहीं कहीं, गोस्वामी कहते हैं कहीं कहीं, गोसाई कहते हैं, वो भी पिछड़े में है लेकिन उनको दर्जा ब्राह्मण का है समाज के रूप में और उनकी मान्यता भी ब्राह्मण के रूप में है। चाहे आप उत्तर प्रदेश का गोसाईगिरी गोस्वामी ले लीजिए और चाहे बिहार का ले लीजिए, अंतर नहीं है। और सामाजिक रूप से ये लोग जहां रहते हैं वहां इकट्ठा रहते हैं और उनको अक्सर मठ या मठिया बोला जाता है। तो सर्वेक्षण आप सब करिए, लेकिन जो चीजें आपने कैटेगराइज की, अब आपने कहा कि कितने 12-1400 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं लिखा, 1,65,000 लोग ऐसे हैं जिनके धर्म का पता ही नहीं है आपको। तो भाई कौन सा ऐसा धर्म भारत में आ गया जिसके धर्म के बारे में नहीं पता है? दूसरी चीज कि इतने बड़े बड़े दावा किए जाते हैं, जोशुआ प्रोजेक्ट वाले कहते हैं कितने ईसाई हो गए उतने ईसाई हो गए, उनकी तो जनसंख्या जो निकाली गई वो बहुत कम है। और सबसे बड़ी तो दुर्भाग्य की बात है कि जहां से बौद्ध धर्म शुरू हुआ वहां बौद्ध धर्म के अनुयायी 1,00,000 के आसपास हैं, 1,11,000 के आसपास। इसका भी एक सर्वेक्षण होना चाहिए, जिसकी बार बार बीच बीच में बातें उठती रहती हैं। बहुत सारे मैं बुद्धिजीवियों के मुंह से सुनता रहता हूं कि बहुत लोग कन्वर्ट होकर के बौद्ध धर्म अपना लिए, वो हिंदू धर्म में नहीं है, अब इसमें चले गए उसमें चले गए। उसका भी आंकड़ा रेक्टिफाई होकर के क्लियर होना चाहिए। तो जब तक इस पूरे ये एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस का सब्जेक्ट है सर, और इस पे बहुत डिटेल एनालिसिस होनी चाहिए। और जो मीडियम चुना गया है इस सर्वेक्षण को करने के लिए, उस मीडियम को भी रिवील करना चाहिए। और एक चीज और इसमें नहीं हुआ है कि बिहार के कितने प्रतिशत किस जाति के लोग बिहार से बाहर हैं, तो आर्थिक सर्वेक्षण नहीं हुआ, सरकारी नौकरियों का सर्वेक्षण नहीं हुआ, नौकरियों का सर्वेक्षण नहीं हुआ, और बिहार से बाहर कितने लोग हैं इसका भी सर्वेक्षण नहीं हुआ। तो आप भागीदारी किसके आधार पर देंगे? अगर आप जाति के आधार पर भागीदारी देंगे तो इसके आधार पर तो भागीदारी ऑलरेडी चली रही है। लालू प्रसाद यादव का परिवार कहेगा कि हम लोग पिछड़े 62% हैं तो हम ही शासन करेंगे। ये बड़ी समस्या है जिसको सुलझाना पड़ेगा नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार क्या सुलझाएंगे, अब तो उस व्यक्ति को इसको सुलझाना पड़ेगा जिसकी भागीदारी का 70 आया है। क्या लालू की पिछड़ों की राजनीति करने वालों की, अति पिछड़ों की राजनीति करने वालों की दुकानें बंद कर दी नरेंद्र मोदी ने और बदली हुई भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी नीतियों ने, उनके कार्यक्रमों ने, इसलिए अब ये सोच रहे हैं कि हार तो हमारी हो गई है? और अविनाश जी आपने भी सुना होगा, जो सेना हार जाती है वो जब मैदान से भागती है तो कुछ ऐसा कर जाती है, पहले तो कुएं हुआ करते थे तो कुएं में कुछ जहर डाल दिया, वो पानी पीने के लायक नहीं छोड़ती, दूसरे काम करती है। क्या अब इतने डेस्परेट हो गए हैं नरेंद्र मोदी से, उनकी लोकप्रियता से, जो आ रहे सर्वे ओपिनियन पोल हैं उनसे, और जिस तरीके से अभी हाल में उन्होंने फैसले लिए हैं महिलाओं को 33% आरक्षण दे, भले ही वो 2029 में लागू हो रहा है लेकिन इम्पैक्ट तो उसका पड़ने वाला है, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं इसलिए इस तरह के स्टेप ले रहे हैं? देखिए सर, ये जो जातिगत जनगणना की है ना, ये इसी में फंसने वाले हैं। कैसे फंसने वाले हैं? मैंने इसको शुरू में ही बताया। आप बीजेपी को बाहर करना चाहते हैं, जातियों को इन करना चाहते हैं, या जातियों के आधार पर बंटवारा चाहते हैं? आप इसके आधार पर कौन सी नीति बनाना चाहते हैं? अब आप पिछड़े कहेंगे, आपने रास्ता खोल दिया, अब वह हर मंच पे आदमी जाकर के कहेगा बिहार के, क्योंकि बिहार से या इस देश में पिछड़ों का पूरा इतिहास निकाला जाएगा प्रधानमंत्री के कुर्सी पे तो गिने चुने लोग हैं, बस दो ही हैं, एक
खुद नरेंद्र मोदी और एक और कोई बने थे पहले विपक्ष की तरफ से, मतलब है कोई नहीं अगर एग्जैक्टली आप देखा जाए तो। चरण सिंह जी जब बने थे तब पिछड़ा आरक्षण की कोई बात नहीं थी, और भी बहुत सारे लोग आए तो पिछड़ा तो कोई रहा नहीं, एग्जैक्टली पिछड़ा के नाम पे तो इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, लेकिन पिछड़ा आरक्षण को पा करके एक व्यक्ति इस देश में प्रधानमंत्री बना जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और अपनी मेहनत पे बना है वो व्यक्ति। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को इस देश में सत्ता किसी ने खैरात में नहीं दी, उसने स्वयं को साबित किया और बना। और नरेंद्र मोदी के पीछे लोग इसलिए लामबंद नहीं है कि नरेंद्र मोदी पिछड़े हैं, पिछड़े के तो अलग अलग पैरोकार हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पैरोकार हैं, वहां पे लालू प्रसाद यादव पैरोकार हैं, कहीं कोई पैरोकार है, कहीं कोई पैरोकार है, सब पिछड़ों के पैरोकार हैं। लेकिन एग्जैक्टली इन लोगों ने पिछड़ों के लिए क्या किया या स्वयं की जातियों के लिए क्या किया, इसका भी अगर आंकड़ा इसी के साथ साथ आ जाता तो ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाता कि अंततः इन्होंने काम क्या किया। मैं आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है सर, ये राजनीति ही करते हैं पिछड़ों की, और जो पिछड़ों की राजनीति करता है और जो खुद प्रधानमंत्री 10 साल से 13 साल मुख्यमंत्री रहा है, तुम उसके सामने डेटा रखोगे तो इतना बेहतर खेलेगा कि फिर तुम खेलने लायक नहीं रहोगे। दूसरी बात, 2011 में 5000 करोड़ रुपया लगा करके यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इस देश में एक इसी तरीके का सर्वेक्षण कह लीजिए चाहे जनगणना कह लीजिए करवाया, जिसको बताया कि यह जातिगत आधारित भी है। 3 साल तक इनकी सरकार थी, इन्होंने उस डेटा को पब्लिश क्यों नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात कि 5000 करोड़ रुपया लगाने के बाद जब वो डेटा पब्लिश नहीं किया तो फिर इस देश में दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि फिर तुम 5000 8000 10000 करोड़ लगाओ और फिर से एक सर्वे कराओ और सर्वे करा के पब्लिश कराओ। दूसरी बात, जब आप इस देश की सत्ता में 60 साल रहे, आपको पिछड़े याद नहीं आए? कभी किसी कांग्रेसी को याद नहीं आया कि किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री बना दो इस देश में, प्रधानमंत्री बना दो इस देश में? उत्तर प्रदेश में कितने पिछड़ों को बनाया कांग्रेस ने मुख्यमंत्री, बिहार में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में, कितने पिछड़ों को बनाया सर? आज तक पूरे देश के इतिहास को उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी आज पिछड़ों की हितैषी बनी हुई है। कितने को बनाया? मध्य प्रदेश ही निकाल लीजिए, मध्य प्रदेश में कितने पिछड़े बने हैं आज तक मुख्यमंत्री? भाजपा का तो 18 साल से है वहीं पे, पिछड़ा ही है। तो आप उससे जाकर के खेल रहे हो जो उसी राजनीति में पारंगत है और साथ के साथ वो सनातनियों की भी राजनीति करता है। अच्छा, कुछ लोग यहां पे क्या सोच रहे हैं, अब जैसे कुछ आंकड़े प्रोड्यूस करने वाले भी कैसे हैं, बताया कि 85% हम लोग हैं, 17% मुसलमान हैं, तो पहुंच गया 102%, बाकी कहां आ गए? ऐसे ऐसे भी डेटा सोशल मीडिया में मैं पढ़ रहा था, चल रहे थे। तो इसका भी एक एक, एक सर्वेक्षण होना चाहिए कि भाई इस तरीके की चीजें क्या है। ये लोग समाजवाद से शुरू हुए थे, समाजवाद का सबसे पहला नारा था कि हम समाज के रूप में मजबूत होंगे, जाति के रूप में मजबूत नहीं होंगे। राजनीति का अंत आते आते ये कुछ जातियों में बट गए या कुछ जातियों में फंस करके रह गए। ये सबको पता है, समाजवादी पार्टी हो चाहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, चाहे शरद यादव की पार्टी हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, जितनी भी समाजवाद की अपने आप को अवधारणा लेकर के जितनी भी पार्टियां बनी, ये कुछ जातियों में जाकर के फंस गई ये अपने अंतिम समय पे। आप बहुत सामान्य तरीके से सोचिए सर, बहुत सामान्य तरीके से आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की पैरोकार पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, तो वो मुलायम सिंह यादव के परिवार का बनेगा, और कोई यादव नहीं बनेगा, यादव भी नहीं बनेगा। ये भी समझिए कि चलो यादव कोई बना दे, दूसरे यादव को पकड़ के बना दे, यादव में भी समझिएगा, यादव में भी वही परिवार बनेगा। अच्छा जी, दूसरा बनेगा पटेल। आपको कोई राजभर नहीं नजर आता है क्या जो वास्तव में पिछड़ा है? आपको कोई निषाद नहीं नजर आता है क्या जो वास्तव में पिछड़ा है? आपको कोई ऐसी जाति नहीं नजर आती है उत्तर प्रदेश में जो सबसे पिछड़ी है, उसको लाकर के आपने भागीदारी दिया और सिंबल के तौर पे उसको यूज किया?
आपको नहीं ये सब चीज नजर आती? टिकट आप जब देते, आप अच्छा सर, समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी, आप जिला अध्यक्ष उठा करके देख लीजिए इन पार्टियों का, आपको समझ में आ जाएगा कि किसको ये कितनी भागीदारी दिए हैं आज तक। तो जब इस तरीके का आपका आचरण है तो आप इस पे बात नहीं करें तो ठीक है। 40 साल तक पिछड़ों की शासित सरकार रही बिहार में, आप बताइए कि आपने पिछड़ों के लिए क्या किया। आप आंकड़े रखिए कि आपने फलाने जाति के लिए फला काम किया। आप बताइए मुसलमानों के पिछड़ों में सबसे अधिक बिहार के अंदर नालबंद की आबादी है। टोटल 12,000 पॉपुलेशन है बिहार में सर। नालबंद वो थे जो घोड़े की नाल वाल को ठोकने का काम करते थे। आप बताइए कि नालबंदों के लिए आपने बिहार में क्या किया। लालू प्रसाद यादव भी रहे शासन में और नीतीश कुमार भी रहे शासन में, सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स करके किसी सत्ता लिए रहेंगे और नया नया सिफुगा रोग छोड़ेंगे, होना कुछ नहीं है। इस बात को सुनिश्चित करिए कि अब बिहार से कोई भी बेटा दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने नहीं जाएगा। इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, सब चीज के लिए जाएगा, पत्रकार है, सब चीज के लिए जाएगा, आईएएस है, आईपीएस है, सब चीज के लिए जाएगा, मजदूरी करने नहीं जाएगा, 12,000 रुपये 15,000 रुपये की लेबरगिरी करने नहीं जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करिए इस आंकड़े से, वो नहीं करना है। तो ये जो कास्ट सेंसेक है सर, ये फुस हो जाएगा। आप इसको मान करके चलिए, वो जो चितना चिल्लाना था उतना चिल्ला ले, लोग अब पूछ रहे हैं कि भाई बाकी तो सब ठीक है, ये बताओ कि ये आंकड़े आने के बाद आप भागीदारी कैसे तय करोगे। और अब भी सर देखिए, एक एक यूनिवर्सल लॉ है, जो मजबूत होगा वो शासन करेगा। अच्छा लग, हो सकता है बहुत लोगों को खराब लगे मेरी बात, बहुत लोगों को अच्छी भी लग सकती है, लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ है। और वो यूनिवर्सल लॉ प्रोड्यूस करता है कि 32 करोड़ की पॉपुलेशन है अमेरिका की और 700 करोड़ पूरे दुनिया की पॉपुलेशन है, 700 करोड़ से अधिक, 150 करोड़ का चीन है, कुछ नहीं कर पाता है, 150 करोड़ का भारत है, यह भी कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन 10 करोड़ की पॉपुलेशन वाला रूस बराबर टक्कर देता रहा उसको। एक छोटी सी पॉपुलेशन है सारे मुस्लिम कंट्रियों के बीच में इसराइल की, किसी की हिम्मत नहीं आंख उठा करके देख ले। यह साबित करता है कि जो मजबूत होगा वो शासन करेगा। और मजबूत कैसे होगा? मजबूत भागीदारी से नहीं होगा, मजबूत होगा शिक्षा से, मजबूत होगा सबको लेकर के चलने की सोच से, मजबूत होगा जब एक दिशा में सारा समाज। आज सर रोड बनेगी तो सब कहेंगे क्या, ए यादव जी 14% हमारा छोड़ के जितने तुम लोग हो, फिर उसमें आएंगे कहेंगे कुर्मी साहब के 2.86% नाप कर मेरा रोड छोड़ देना फिर तुम लोग चलना। कौन सी भागीदारी करेंगे भाई साहब? आप क्या मजाक बना करके देश का रखा हुआ है? है, पूरी दुनिया चांद पे जा रही है तो आप कह रहे हैं जाति बताओ कितनी है। और समाजवाद का उदय किस चीज से हुआ था सर? जातियों के विघटन के लिए ही समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद की पहली परिभाषा थी कि जातियां नहीं मानेंगे, और उनकी स्थिति आज इतनी गिर गई है कि वो जाति गिन रहे हैं, फलाने जाति का इतना व्यक्ति, फलाने जाति का इतना व्यक्ति, फलाने जाति का इतना व्यक्ति। मान लीजिए 200 वैकेंसी निकलेंगी और हजारों जातियां हैं, कैसे आप भागीदारी सुनिश्चित करेंगे भाई साहब? कैसे होगी भागीदारी सर उस व्यक्ति की? मतलब यह मान करके चला जाए कि बिहार के अंदर जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसकी कोई आवाज का मतलब नहीं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, संविधान में उसको कोई अधिकार नहीं होगा। क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से लेकर के चलना चाहते हैं इस देश को या इस समाज को? आप लोग तो सत्ता भोग लिए, सत्ता सुख भोग लिए, एक एक एक, एक सजायाप्ता हो गए और नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो गई। कितने पॉलिटिशियंस पैदा किए हैं आपने, कितने गैर यादव लोग हैं? आज मैं आपको बता दूं सर, मनोज झा, जगदानंद, ललन सिंह, मतलब ऐसे तमाम नाम है दोनों पार्टियों के अंदर जो भूमिहार है, ब्राह्मण है या राजपूत हैं। बिना इनको लिए तो आप राजनीति खुद नहीं करते हैं, उन सीटों पर भागीदारी दीजिए ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने क्यों किसी पिछड़े को नहीं बनाया? बनाना चाहिए था ना आपको।
तो जब देने की बात अपने हिस्से में से आएगी, ना 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 हमारे में नहीं, हमारे में नहीं, उनके में, दूसरे वाले में, दूसरे हमारे में कैसे ले लोगे आप बताओ। तो ये है इनकी असली सच्चाई। और जो किरोसिन की बात थी, एक किरोसिन जो छिड़क रहे हैं, ये सब फूस है सर, ये सब अब इस देश में नहीं चलेगा, लोगों को सोचना चाहिए। अब चलेगा कैसे आप बताइए कि यादवों के बच्चों को कितना शिक्षित किया लालू प्रसाद यादव ने अपने समय में, आप बताइए इस चीज को कि जो सबसे निचला तबका है समाज का, उसके लिए आपने कितने विद्यालय खोले, आपने कितनी छात्रवृत्तियां दी, आप बताइए कि बिहार से सबसे पिछड़े व्यक्ति को आपने लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड पढ़ने के लिए, शोध करने के लिए कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, आप बताइए कि आपने स्पोर्ट कोटे में कितने पिछड़ों को, अति पिछड़ों को या एससी एसटी समाज को प्रतिनिधित्व दिया। आपको ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी, आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपने कितने काबिल लोगों को प्रोड्यूस किया बिहार से, जो बिहार ही नहीं बिहार से बाहर भी जाकर के रोशन कर रहे हैं ना। एक आंकड़ा मैं बताता हूं सर, इस देश में टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक लोग बिहार से हैं। आप किसी भी आप दिल्ली एनसीआर से आते हैं, दिल्ली एनसीआर के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाइए, आप आईआईटी में चले जाइए, आप एनआईटीज में चले जाइए, गवर्नमेंट से लेकर के प्राइवेट तक, आप वहां जब शिक्षकों का अनुपात देखेंगे, भाई बिहार की पॉपुलेशन कितनी, 10-12 करोड़, मतलब टोटल मान लीजिए देश की 10%, और शिक्षक कितने हैं 30%। आप ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए सर, ब्यूरोक्रेसी में आज स्थिति यह है कि बिहार में, बिहार पूरे भारत में 40% जिलों में बिहार का एक व्यक्ति या तो डीएम है या तो बिहार का एक व्यक्ति एसपी है, समझेगा सर, ये उस बिहार की स्थिति है। अब पत्रकारिता उठा करके देख लीजिए सर, अब पत्रकारिता के बड़े बड़े नाम उठा करके देख लीजिए सर, या तो पूर्वांचल बिहार को छूते हुए किसी जिले से आएंगे या तो आपको बिहार से आएगी, लेकिन कभी कोई बिहार के लोगों के लिए आवाज नहीं उठाता है। जानते हैं क्यों नहीं उठाता है? यही कारण है कि बिहार इससे स्वयं को, अपने आप को इससे बाहर ही लेने देने लेने बाहर ही आने की जरूरत नहीं समझता। यादव 14% है, 14% बच्चों को भागीदारी चाहिए, आप भागीदारी कौन सी इंडस्ट्री में देंगे भाई उनको, बताइए ना इस चीज के बारे में। इस पे नहीं चर्चा हो रही, चर्चा हो रही अरे हमारी जाति बहुत ज्यादा हो गई, अब वाले लालू यादव मुख्यमंत्री बन लिए या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन लिए तो सब कुर्मियों के भाग्य पलट गए। मान लीजिए मैं ठाकुर बिरादरी से आता हूं, योगी आदित्यनाथ बन गए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, तो हमारे भाग्य बदल गए। या मान लीजिए जयंत चौधरी मुख्यमंत्री बन गए तो क्या सब जाट, मतलब एकदम सब उनका सब शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक स्तर, सब कुछ, नौकरी छोकरी सब एकदम सब ललन टाप हो जाएगी? नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? उनको इतनी चिंता होती तो दूसरे को भागीदारी देते ना। एक जमाना था अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, फलाना नेता, ढेराना नेता, अरुण सोरी, फलाना, कितने नेता थे सर, कोई नाम है लेने वाला आज भाजपा में? ये कौन थे? खत्म हो गया काम, सिस्टम, नई लीडरशिप आई, कोई गुजरात का, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का है? आप पहले अपनी व्यवस्था में तो डेमोक्रेसी लाइए सर, और ये अब लोकतंत्र जाति तंत्र में बदल रहा है, देश के लोगों को इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। भागीदारी से किसी की समस्या नहीं है, लेकिन भागीदारी के लिए पहले माहौल बनाइए, भागीदारी के लिए पहले वो चीज अर्जित करिए। जब तक अर्जित नहीं होगी तब तक वो भागीदारी सिर्फ कागजों पे आपको दिखाई देगी, चुनाव में हल्ला मचाने के लिए दिखाई देगी, मंचों से भाषण देने के लिए दिखाई देगी। ये मैं बता रहा हूं सर, देश में चाहे कहीं भी करवा लीजिए। ये बताइए, पिछली जो मुंबई की बैठक थी इनकी, इंडी अलायंस वालों की, उसमें भी जातीय जनगणना का एक प्रस्ताव रखा गया था इन लोगों की तरफ से, और उद्धव ठाकरे से लेकर के ममता बनर्जी ने, सबने उसका विरोध कर दिया था कि नहीं ये नहीं। अब तो ये बिहार में कर्म कांड कर चुके, अगली बैठक में क्या ये फिर से हिम्मत करेंगे? और अभी मैं केसी त्यागी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, किसी चैनल पर थे, तो वो कह रहे थे कि नीतीश जी को अब पूरे देश में घूमना चाहिए और हर राज्य में जातीय जनगणना हो इसके लिए प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए।
तो क्या ये इंडी अलायंस में इतनी हिम्मत है कि ये जब भी इनकी अगली बैठक होगी तो उसमें जो कुछ ये बिहार में रायता फैलाया गया है इसका संकल्प लेंगे कि हम पूरे देश में इसको फैलाएंगे? वैसे राहुल गांधी तो शुरुआत कर ही चुके हैं, तीन ये करेंगे की बात उठा करके, ये करेंगे सर। मतलब इन लोगों का ऐसा है, और मैं आपको बता दूं एक चीज, ये हो भी जाना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूं। देखिए 1931 के जनगणना के हिसाब से 2-4% ऊपर नीचे होना है, सबको पता है, सबको पता है बिहार में 15% सवर्ण है। तुमने कौन सा नया तीर मार लिया? 85-15 का नारा पहले से लगता है, इसमें कोई बहुत मतलब बहुत महती काम थोड़ी ने कर दिया। लेकिन इससे एक फायदा हो गया, जो नीतीश कहते थे या कुर्मी बिरादरी कहती थी कि हमारी भागीदारी 4% से ऊपर है, तो पता चला कि लवकुश समीकरण में कुशवाहा ज्यादा है, कुर्मी कम है। अब देखिए इसका इस, जब ये जनगणना हो जाएगी ना तो ये इन्हीं के लिए काल बनेगी। बीजेपी तो अपना फार्मूला चेंज कर दी है, बीजेपी को कोई समस्या नहीं है, बीजेपी तो अभी कह देगी। कोई यहां तो ऐसा है नहीं कि नरेंद्र मोदी को चिंता है कि अरे यार ये वाली घोषणा कर देंगे तो हमारा बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी को इसकी चिंता नहीं है सर, इसकी चिंता सोनिया गांधी को है। अब दत्तात्रेय गोत्र वाला कैसे ब्राह्मण बनेगा इस देश का प्रधानमंत्री, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा सर। समस्या यहां फंसेगी, समस्या यहां फंसेगी कि दिग्विजय सिंह कैसे बनेंगे, समस्या यहां फंसेगी कि अजय राय को आपने उत्तर प्रदेश में पार्टी का अध्यक्ष बनाया है तो वो कैसे टिकेंगे इस समीकरण में। क्योंकि दो चीजें नहीं हो सकती हैं। आप अगर जिस बात को कह रहे हो, और कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार का तो काम खत्म है, उनको तो त्यागपत्र देना चाहिए देवन से। पूरे कांग्रेस पार्टी में जो नेहरू गांधी परिवार है उसको तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। और डायनेस्टी पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस के अंदर हैं। अच्छा बताइए सर, मान लीजिए कि पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में ये जाति इतने परसेंट है, उससे उत्तर प्रदेश की जीडीपी पे, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री पे, उत्तर प्रदेश में रोड पे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे बनेगा क्या कि जाट 10% तो 10% कॉलेज जो हैं इस प्रदेश के वो जाटों के लिए रिजर्व हो जाएंगे, अब उसमें सिर्फ जाट पढ़ेंगे, जाट पढ़ाएंगे, जाट रिजल्ट बनाएंगे, जाट उसमें सिलेबस तैयार करेंगे, जाट ही उसके बाहर सामान बेचेंगे, जाट ही गेट कीपर होंगे, कैसे तय करेंगे आप? ये सवाल अपने अपने पार्टी जो भी लोग इस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं उनसे जरूर सवाल पूछे। केसी त्यागी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, इतने लंबे समय से सचिव, महासचिव, प्रवक्ता, पता नहीं क्या क्या बने हुए रहे हैं, आप छोड़िए उसको और कहिए कि नीतीश जी मेरी जगह नियुक्त करिए एक मुसहर को बिहार से जो पार्टी का प्रवक्ता होगा। ये पद अपना कोई नहीं छोड़ रहे, बकवास सब कर रहे हैं। अगर आप इसके पैरोकार हैं, आपको योग्यता नहीं आपको जाति चाहिए, तो सबसे पहले आप त्यागपत्र दीजिए। और केसी त्यागी को एक चीज और करना चाहिए कि सबसे पहले उनको अपने बेटे, उनसे तो मेरी बहुत पहले अच्छी दोस्ती थी, उनको कह देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाना बंद कर दे है ना, बेटे को घुसा रखा है भाजपा में, अपने हैं जेडीयू में और टीवी पे प्रवक्ता बन करके बैठे हुए हैं और एक पद बराबर होल्ड करके बैठे हुए किसी के। सबको छोड़ना पड़ेगा सर, ऐसा थोड़ा ही नहीं कि आप सिर्फ बात कर लेंगे, आप सिर्फ बकवास कर लेंगे और हिस्सेदारी देने की बात आएगी तो अपने पार्टी में देंगे नहीं, अपना पद छोड़ेंगे नहीं, अपने वहीं कब्जा करके बैठे रहेंगे और दूसरे को ज्ञान देते रहेंगे, ये कब तक चलेगा? जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे 2014 के इलेक्शन में तो लोकसभा में कितनी सीटें इनकी आई थी? नंबर दो, 2009-2014 4-4 सीटें लालू यादव की और 2019 में 0 सीट लालू यादव की, बिहार में खाता ही नहीं खुला। डेस्परेशन इन सब के चलते है, नीतीश को भी लग रहा है कि जब जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं तो पूरी तरीके से जनता उनको किनारे पे धकेल देती है, वो एक खौफ है
वैसे तो ये चौधरी बने हुए हैं और नीतीश बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैंने सबको इकट्ठा किया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। सर नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो गई, मैं आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ, आज ही बता दे रहा हूँ, घोषणा कर देता हूँ इसका। अब बिहार में दो पार्टियां रहेंगी, आरजेडी और भाजपा। कांग्रेस खत्म, वामपंथी खत्म, सारी व्यवस्थाएं खत्म। मैं खुद चाह रहा हूं कि जनगणना हो ही जाए। गलत फहमी जो है इस देश में वो सबकी निकल जानी चाहिए, है ना। और मैं तो मांग करूंगा कि राहुल गांधी सबसे पहले, उनकी कर्नाटक में सरकार है, जनगणना होकर के पता नहीं कितने दिन से रखी है, उसको लागू करवाएं पहले, सबसे पहले तो कर्नाटक में रिवील करवाएं उसको, और उसके बाद जो जाति आए उसी के हिसाब से वहां सबसे पहले सीएम चुन दें, क्योंकि सिद्धिरमैया बहुत लंबे समय तक रह चुके, अब उनको नहीं रहना चाहिए, कायदेसी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये जो जातिगत जनगणना सर पूरे देश में करा लीजिए, प्रदेश में करा लीजिए, ये सब फुस है, कोई मतलब इसका नहीं निकलने वाला है। कोई मतलब निकल जाए सर तो आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखेंगे हम लोग इससे कौन सी सिद्धि हो जाएगी। और जातियों की मैं स्थिति आपको बता देता हूं सर, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों में निषाद जाति का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक है। तो कहीं कश्यप लिखते हैं, कहीं निसाल लिखते हैं, कहीं बिंद लिखते हैं, कहीं केवट लिखते हैं, कहीं मल्लाह लिखते हैं। आज तक उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनको प्रतिनिधित्व देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। अब जो निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में उनके कैबिनेट मंत्री हैं, क्या वो इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि सारे निषादों का उन्होंने भला कर दिया कि देश में रोड बनेगा, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, देश में इंडस्ट्री लगेगी प्रदेश में? आप बताइए, जीडीपी जब उत्तर प्रदेश की बढ़ रही है तो गरीबी से निकलने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि गरीबी से निकलने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कितने कौन सी जाति वाला है? आप कह रहे जातियों के हिसाब से हम योजना बनाएंगे, कौन सी योजना आप जातियों के हिसाब से बना सकते हैं? उसको आप रिवील नहीं करते, और जातियों के हिसाब से आप योजना बनाएंगे तो फिर अति पिछड़ा, पिछड़ा, एससी एसटी माइनॉरिटी, इसका क्लासिफिकेशन कहां जाएगा? यह भी तो संवैधानिक क्लासिफिकेशन है सर, ये पिछड़े हैं, ये अति पिछड़े हैं, ये दलित हैं, ये एससी हैं, ये एसटी हैं, और ये माइनॉरिटी हैं। उनका भी तो एक क्लासिफिकेशन होगा, और उनके उनका जब क्लासिफिकेशन होगा तो आप उनको कैसे चिन्हित करेंगे, उस योजनाओं को कैसे वहां तक लेकर पहुंचाएंगे, कौन सी योजना चलाएंगे आप? भाई योजनाएं तो सर, हॉस्पिटल खुलेगा तो आप कह देंगे क्या कि आज 14 पर्चा कट गया, अब यादव का इलाज नहीं होगा, हटो, ऐसे करेंगे क्या? या 14 यादव का एडमिशन हो गया, अब इस स्कूल में अब इनका एडमिशन नहीं होगा, क्या मतलब किस तरीके से करना चाहते हैं इस चीज को? भागीदारी आप किस तरीके से देंगे ये तो सुनिश्चित करिए, या आप सामूहिक भागीदारी दीजिए, इतना हॉस्पिटल बना दीजिए कि समस्या ही नहीं हो किसी को। आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई लोगों को जाना पड़ता था, बनारस में बन गया, ऑलरेडी काशी में बन गया सर। एम्स गोरखपुर का चालू है, अब एम्स में कोई भी इलाज करा सकता है ना सर, किसी भी जाति का हो, जिसको भी समस्या होगी वो जाएगा, किसी भी धर्म का हो जिसको समस्या होगी वो जाएगा। और मुस्लिमों के आबादी के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी योजनाएं चली हैं उसमें भागीदारी उनकी जस्ट डबल है। तो इनको अभी फार्मूला समझ में नहीं आया, कुछ चीजें क्या होती है सर कि कहने में बड़ी अच्छी लगती है, अरे अरे फलाने जाति के इतने लोग हो गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए। अब जातियों का जब संघर्ष चलेगा और जातियां जब इनसे हिस्सेदारी मांगेंगी तब इनको जवाब देना पड़ेगा। अभी ये लोग तो बड़े फूल के कुप्पा है ना, ये सोच रहे हैं कि इसके आधार पे हम वर्गीकरण कर लेंगे। सामाजिक स्तर पे जब आप नीचे जाएंगे ना, तो नीचे जब जाएंगे तो लोग जातियों के हिसाब से प्रतिनिधित्व मांगना जब शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे भैया ये तो बहुत बड़का वाला ब्लंडर कर दिया हमने, ये तो समस्या पैदा कर दी हमने, और इस समस्या का समाधान खोजे नहीं मिलेगा। इनको लगता है कि सब पिछड़े इकट्ठा हैं, अगर सब पिछड़े इकट्ठा हैं तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, बिल्कुल। अगर सब दलित इकट्ठा हैं तो मायावती को 11% वोट नहीं मिलता,
और इनको लगता है कि सब पिछड़े और दलित भाजपा को पसंद ही नहीं करते हैं तो भाजपा सत्ता में नहीं होती। और 1931 में 52-53% पिछड़ों की बात थी बिहार में, अब वहां पे आपने गिन करके 62% पहुंचा दिया, क्या फर्क पड़ गया? कुछ जातियां और जुड़ गई पिछड़ों में। अब उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण करेंगे सर तो बहुत सारी जातियां हैं जो 1931 के बाद पिछड़ों में आई हैं, तो 52 का 60 हो जाएगा, यही तो होगा ना। इसका तो अध्ययन सामाजिक रूप से चल ही रहा है बहुत दिन से, तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुले मतलब पॉलिटिकली नैरेटिव सेट करने की ये लोग कोशिश करेंगे लेकिन वो सेट नहीं हो पाएगा। सेट इसलिए नहीं हो पाएगा जब आप बात जातियों की कर देंगे ना, तो फिर सर सवर्ण और पिछड़ा और अगड़ा नहीं हो पाएगा ना, है ना। इसी योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मणों ने पानी पिला दिया उत्तर प्रदेश में, वो भी अगड़े हैं, वो भी अगड़े हैं, समझना पड़ेगा इसको। अब मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था ना, दोनों पिछड़े थे, वो पिछड़े मुस्लिम थे, ये पिछड़े हिंदू थे। तो ये फॉर्मूला सेट करेंगे तो नहीं सेट होगा, जान लीजिए सर इसको। मैं गलत कह रहा हूं सर, मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ उस दंगे में वर्गीकरण के हिसाब से दोनों ही तो पिछड़े समाज से आते थे, जो सरकार का वर्गीकरण है माना गया इसको सामाजिक रूप से, नहीं माना गया, एक्सेप्टेंस ही नहीं था उसका। अब झांस आप है ब्राह्मण, अब वो ठाकुरों पे कविता सुना दिए हैं, बिहार वाले इसी पे कुश्ती लड़ रहे हैं, तो ये तो दो सवर्ण भी आपस में लड़ रहे हैं जब मौका मिल रहा है तो है। और जो सम्राट चौधरी को बनाया है भाजपा वालों ने प्रदेश अध्यक्ष, वो नीतीश कुमार पिछड़े को गाली दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव पिछड़े को गाली दे रहे हैं, समस्या कैसे सुलझेगी सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अविनाश सिंह जुड़ने के लिए और बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।